रामदेव जी महाराज री दो महीना थी, मैं आपने पहले निवेदन कियो कि धनरूप सिंह जी रामदेव जी महाराज रा काका था और धनरूप सिंह जी री दो बेटियां थी, एक रो नाम लाछाबाई तो दूसरी सुगणा थी। लाछाबाई रो ब्याह पोकरण में कियो गयो। लाछाबाई और सुगणाबाई ने बीकानेर जिले में पुंगलगढ़ गांव में पुंगलगढ़ रे पढ़िहार और विजय सिंह जी रे साथ में सुगणाबाई रो लगन हुआ और पुंगलगढ़ रा पढ़िहारों ने अपने क्षत्रिय होने रो बड़ो अभिमान। तो रामदेव जी महाराज सामान्य गरीब आदमी री सेवा करता, रामदेव जी महाराज ऊंच नीच रो भेदभाव नहीं मानता, रामदेव जी महाराज असहाय पीड़ित लोगों री सेवा करता। और इन बात सो पुंगलगढ़ रा पढ़िहार बड़ा क्रोधी क्रोध में था, पुंगलगढ़ रा पढ़िहार बड़ा नाराज था और इन वास्ते सुगणाबाई ने 12 साल तक सुगणाबाई ने पीहर नहीं भेजी। देखिए अठीने सुगणाबाई अपने भाई अपने माता पिता अपने पीहर ने याद करता था का आंखों में आंसू उड़ा ढलकावे बोली बीरा सुगणा री विनती विदा के तो आजा बीरा रामदेव नहीं तो लिख भेज संदेह ओ जी नेणो में आंसू पड़े जो सावन बरसे में। अठीने सुगणाबाई उदास उठीने मां उदास। तो माँ जब रामदेव जी महाराज ने कहो तो रामदेव जी महाराज कहो कि माँ चिंता मत कर, मैं अभी प्रबंध करूं सुगणा ने लाने रो। बाबा रामदेव जी महाराज रा एक खास भगत था जारो नाम तो रत्नो राय को। रामदेव जी महाराज रत्ना ने बुलाए, रत्नो हाजिर हो गए, बोले बाबा हुक्म कराओ। बोले कि हुक्म नहीं पुंगलगढ़ जानो है। रत्नो बोले कि गांव अब यूं तो कोई गयो तो मरुला। रत्ने दिमाग लगा और एक मरियल सी सांड थी दुबली सांड, बोले कि या तो ना पुगे रस्ते में आ मर जाए, मैं पांच बार कह दूंगा बाबा सांड मर गई बीजो। रत्न राय को वह मरियल सी सांड ली। जब पुंगलगढ़ ने मार के रवाना हुए, बाबा रामदेव जी महाराज री ऐसी कृपा हुई कि वह मरियल सी सांड बाबा रामदेव जी महाराज री कृपा सो पुंगलगढ़ की तरफ भागती हुई जा रही। रत्न रे मन में भरोसा हो गया कि मारो बाबो मने मरने नहीं देला। अब रत्नो राय को तो वो तो बाबा री मस्ती में भक्ति में मगन हो। पुराने जमाने में कई सिस्टम था, रावड़ा में घोड़े चढ़ियोड़ो सांड चढ़ियोड़ो अंदर नहीं जानो, साफो नहीं पैर तो ठाकुर साहब मिल जाता तो खमागणी अंदर था, पगों में पड़नो पोतियों मिलनो पड़तो। रत्ना ने ये सारी बातों को कोई पतो नहीं। रत्नो जो ही पुंगलगढ़ में प्रवेश कियो जार सीधो रावड़ा में सांड पर बैठो बैठो चलो गयो। सामने सुगणाबाई का पति देव विजय सिंह जी बैठे और सांड रे ऊपर बैठो बैठो जब रत्ना ने आओ तो देखियो तो दूर से आवाज लगाई, बोले आज कौन है, थोड़ी बहुत मर्यादा नहीं जाने, रावणा में सांड ऊपर बैठो बैठो आ गयो, कौन है थारो नाम काई है। रत्नो बोले कि हो तो मुंह रत्नो कठू आयो, बोले कि रामदेव रासो मारा बाबा रामदेव जी मने भेजो है। इतनी बात करते ठाकुर साहब रो क्रोध और बढ़ गयो, बोले कि चुप खबरदार है। और बोलिया अरे उन रे कामड़िए रत्ना नाम मती लीजे, उन रे कामड़िए रत्ना नाम मती लीजे, घेरोला खेतड़ी रे माई जियो, घेरोला खेतड़ी रे माई जियो, खम्मा 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 वो चेरा राजा है लो सांबलो जियो, खम्मा 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 रे कबड़ी। बोले जमल घर अवतार की हरे गेरी गेरी बिरखा भाजा, ते पाछा कहीं आ जा,
गेरी गेरी बिरखा भाया उठी पाछा कहिया जाओ उमन साची साची बात बताओ जियो तालियों के साथ में साची साची बात बताओ जियो साची साची बात बताओ जियो खम्मा 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 रे कंवरे अजीमा रुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो रुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो खम्मा खम्मा गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहिया जाओ ते मने सांची सांची बात बताओ आखिर में होयो कही है भगवान की कृपा हुई इतनो गेरो जमानो होने री आशंका है और गेरो जमानो वे थे आपने खेत में बाओला नहीं तो खाओला कहीं बोलो कहीं बात अब गावरा ठाकुर था कौन बोले के थे बांझियाओ एक 80 बरस ना डोकरा आगे आया हाथ पग धूजे और अजमाल जी महाराज रे सामने हाथ जोड़ कहो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो आप तो मालिक हो आप तो अन्नदाता हो पर अरे थे तो अजमल जी बीरा बांजिया कही जो थी तू अजमल जी बीरा बांजिया कही जो मारा सुगन खराब घना होया जियो सुगन खराब घना होया जियो खम्मा 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 रे कबरे रूनी चिरा राजा हेलो सांबलो जियो मख मख मारे कबरे बोले ठाकुर साहब अन्नदाता आप तो मालिक हो पर अन्नदाता आप बांजिया हो और बांजिया आदमी रा सुगन लेर खेत में जाने सु बढ़िया है कि घरे आराम करो क्योंकि थारा सुगना सु कहीं निपजनो तो नहीं और थारे जड़ा बांजिया आदमी रा सुगन लेर खेत में मेहनत करने सु मतलब कहीं अब देखो करसा आवड़ कावड़ शब्द कह दिया अजमाल जी महाराज रे पैरों नीचो बात सुन और धरती निकल गई किसान ने आडा टोडा बोलता बोलता अपने घर चला गया अजमाल जी महाराज धीरे 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 अपने घर पहुंचा जब पतिदेव ने मैना दे जी उदास देखा तो बोल दियो पिया जी ओ सजना आप यूं आज बिलखा बिलखा लाग रहा हो कई बात है आप बड़ा दुखी हो आप मने बोलो अजमाल जी महाराज रे आंखें मुँह आंसू आ गया बोले रानी बांजियो के वेरे मारो मुख नहीं देखे अरे बांजियो के वेरे मारो मुख नहीं देखे एड़ा कहीं पाप कमाया जियो एड़ा कहीं पाप
निचरा राजा हेलो सांभळो जियो अम्मा खम्मा खम्मा रे कबरे अजमाला देखिए अजमाल जी महाराज रोता थका आंखा में आंसू री लड़ी पे अपनी रानी मैणा दे ने कहने लगा बोला रानी इनसो चोको है कि भगवान मने दुनिया उठा ले बांजिया बांजिया करे। देखिए जब कभी भी आपके हमारे घर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पति को निश्चित रूप से धीरज बंधाती कि चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेला। मैणा देवी जी भी अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले पिया जी चिंता ना करो ना अब 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया एक बार मैं बोल रही हूं 13वीं बार फिर चले जाओ और इन बार द्वारका रो नाथ आपने मन री इच्छा जरूर जरूर पूरी करेगा। बाजरी ने लाडू बना दिया अजमाल जी महाराज ने दिया बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सच्चे मन से प्रार्थना कर जो। अजमाल जी महाराज फिर द्वारिका रे रस्ते रवाना हो गया। सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना पाड़ा थका पावों में छाला पड़ गया एक सांवरिया री आस लिया अजमाल जी महाराज बहता गया बहता गया बहता गया। एक दिन द्वारिकाधीश से मंदिर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया बोले भगवान 12 साल तक आयो थे मारी नहीं सुनी 13वीं बार फिर आ गयो और इस बार यदि नहीं सुनी तो थारी चौखट पर माथो पटक पटक मर जाऊंगा। पर पाछो घर ना जाओ आज अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी आयो थारे बारने क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे कारणे दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे कारणे बोले केवे केवे अजमल सुन सांवरा इतरो मत बन मुंजी और एक टाबरियो मने देवे एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी और नहीं सुनेला विघ्न करूला हरी पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला लोगों रो भरोसा उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौखट पर मर गयो पाछो घर ना जाओ बहुत देर हो गई। अब भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है। अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखो तो भगवान री मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में वे बाजरी रे लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते अजमाल जी महाराज रीस में
रे बाजरी रे लाडू भगवान री मूर्ति रे मार दिया। मंदिर का पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है, बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार का रोना, दर्शन करीवाने आयो जियो, दर्शन करीवाने आयो जियो, अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजी मा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो, आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे, और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुर ने तो पुजारी खुद डर गया, बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनों है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो, क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार गुजारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाती। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा, और सोने का तो महल देखा हीरा पन्ना खूब जड़ा, आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने, भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है, माथा ऊपर सु खून बह रहे है। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया, बोले भगवान की कर दो खबरा, मैं तो सुनियो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो, आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो, आप तो बड़ा शक्तिशाली हो, और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान वो कई, बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपरे चोट कटू लागी। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमाल उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना हरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदो करे बरस चौपनो नयो मास जग, बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला, बरस 61 वो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला। सुन रे अजमल थारे पानी
रो तो दूध बनेला, पानी रो तो दूध बनेला, कुकू पगल्या आंगणे। भगवान के अवतार की बात है, तालियों के साथ में। दुनिया माने मोसा बोले एकटा बदरे कारणे, दुनिया माने मोसा बोले एकटा बदरे कारणे। अजमाल जी महाराज भगवान रा कॉल वचन कर अजमाल जी वापस अपने घर आ जावे। कुछ समय बाद में मेणा दे जी बीरम दे जी ने जन्म दियो, और उसके कुछ समय बाद एक दिन रात रा 1461 साल भादवे महीने री दूज की रात चंद्रमा उगयो, चारों तरफ तूफान आयो, और अजमाल जी महाराज रे आंगणे में बीरम दे जी रे साथ में एक बालक आ और पहुंच गयो। बड़ी अजमल घर अवतार की जय। अजमल जी ने आंगणे में भगवान रे वचन अनुसार कुंकुरा पाव मंडिया, घर रो सारो पानी दूध बन गयो, चारों तरफ रोशनी हुई, आकाश हो गर्जना हुई, और भगवान अजमल जी ने जब आंगणे में आया तो भक्त लोग लिखियो है, खम्मा 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 हो कवरी जी मानरा, खम्मा 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 हो कवरी जी मानरा, खाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो, ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम सा, अजमल घर अवतार लियो, भादरवारी दूजी जाननी, अजमल घर अवतार लियो, कुकू पगला मांड सावरियो, पालनिये में पोड़ी गयो, कुकू पगला मांड सावरियो, पालनिये में पोड़ी गयो, दो दो बालक देख पालनिये सगला अचरजी भरी लादा, बालिका नात्री लीला देखी, पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो, खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम सा, गणी गणी खम्मा राजा राम सा।
पहलो परचो पिता अजमल जी ने दीनो कुंकुरा पगलिया मंडाया और दूजो परचो माता मैणा देने दियो उफण तो दूध दबायो। अब देखिए दो बाल की देखी पालनी है मेणा दे शंकालाई दो बाल की देखी पालनी है मेणा दे शंकालाई ओ कहीं जादू होयो घर में माता मन में घबराई ओ कई जादू होयो घर में माता मन में घबराई मारी शंका ने मिटाई मैया दी शंका ने मेटी दूध उफण तो लियो तो पूजे राजस्थान जियो खम्मा 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 हो थाने तो पूजे राजस्थान जियो पूजी रात जियो ओ खम्मा घनी घनी खम्मा राजा राम घनी घनी खम्मा राजा राम साहब हो